अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिनट मैट्स। अभी हम बात करेंगे द पैरथ हार्ट हार्मोन पे। सबसे पहले बात करते हैं द हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। यूजली कॉजेस माइट बी ये प्राइमरी है, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स का प्रॉब्लम है, या ड्यू टू सेकेंडरी कोई और कॉज है उस तरह। हम सबसे पहले ये देखते हैं द कॉमनेस्ट जो हमारे पास आती है, दैट इज जो प्राइमरी की है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म इज यूजली ड्यू टू पैराथायरॉइड ग्लैंड एडिनोमा, दैट अकर्स इन अबाउट 80% ऑफ द केसेस, और हाइपरप्लेजिया that has an incidence of about 20%. So, parathyroid hormone का normally तौर पर इसका function क्या होता है हमारे पास, it gives you causes या keeps the calcium level normal, calcium and phosphate. So, ये calcium आता कहाँ से है? Usually ये bone की resorption से हमारे पास आता है, तो it keeps the levels up और कीप्स द फॉस्फेट डाउन। ये नॉर्मली तौर पर पैराथायरॉइड हार्मोन करता है। अगर इसी बात को आप अप्लाई करें कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है, तो कैल्शियम लेवल वुड राइज एंड फॉस्फेट लेवल वुड गो डाउन। तो हमारे पास अगर कैल्शियम राइज करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ द बोन रिजॉर्प्शन, डेफिनेटली पैराथायरॉइड हार्मोन एक काम क्या करता है, बोन्स पे बोन रिजॉर्प होती है, वहाँ से कैल्शियम निकलता है, तो दैट लीड्स टू जो हमारे पास सीरम लेवल्स के ऊपर कैल्शियम ज़्यादा आ रहा होता है, तो बोन डेफिनेटली वुड बी वीक। पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करते होते हैं ज़्यादातर, बोन पेन्स, रिनल स्टोन्स, मे बी द पेशेंट प्रेजेंट विद साइकोसिस, हाइपरकैल्सीमिया और एब्डोमिनल पेन, जो निमोनिक हम लोग यूज करते हैं टू रिमेंबर दिस कंडीशन इज साइकिक बोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन्स, soft bones and mineral stones. These are the common presentation. और सारी की सारी हमारे पास क्या चीज़ होती है, जो हाई फ्रिक्वेंसी में these levels go up, इस वजह से हमारे पास, और जो पैराथायरॉइड हार्मोन की वजह से ये हमारे पास इधर हो गया कैल्शियम, हमारे पास जब कैल्शियम के स्टोन्स डिपॉजिट हो जाते हैं, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से इनके एब्डोमिनल पेन होता है, और साइकिक बोन्स आते हैं जो हमारे पास साइकोसिस डेवलप हो जाता है, एंड पेशेंट मे बी हाइपरटेंसिव, डू रिमेंबर प्लीज। अब पेशेंट आपके पास इस तरह आया है, कुछ एब्डोमिनल पेन्स हैं, अलोंग विद दैट देयर इज हिस्ट्री ऑफ द बोन पेन्स और रिकरेंट रीनल स्टोन्स हो रहे हैं, तो यू मेड अ डायग्नोसिस कि दिस इज अ केस ऑफ हाइपरकैल्सीमिया सेकेंडरी टू हाइपरपैराथायरॉइडिज्म। तो हाउ टू इन्वेस्टिगेट सच अ पेशेंट, इसमें सबसे पहली चीज आती है वी गेट सीरम कैल्शियम लेवल्स, दिस आर रेज्ड। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि पैराथायरॉइड लेवल्स करवाते हैं, दैट आर रेज्ड। अब बोन की एक्टिविटी इंक्रीज हुई थी बिकॉज बोन आर गेट रिजॉर्प्टेड, तो हम क्या करते हैं कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज करवाते हैं, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज रेज्ड। नाउ हम ये एक बात कर रहे हैं कि बोन आर बोन रिजॉर्प्शन हो रही है, तो बोन हाउ वुड द बोन लुक लाइक, तो हम जब लॉन्ग बोन्स का एक्सरे करवाते हैं उसमें वी गेट द इंप्रेशन ऑफ, बिकॉज ऑस्टियोजेनियस आ रहा है सर, ऑस्टियोपोरोसिस हुई हुई है वहाँ पे, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियाइटिस, फाइब्रोसा,
सिस्टीका एट द एंड ऑफ द या जिसको कहा जाता है ब्राउन ट्यूमर। और एक चीज जो लाजमी याद रखनी है वो ये कि जब हम स्कल का एक्सरे करवाते हैं वो गेट एन इम्प्रेशन कि स्कल में देर आर होल्स ऑस्टियोपोरोसिस, देर आर ऑस्टियोलिटिक लीजन्स जिसको हम कहते हैं पेपर पॉट स्कल। सो दिस इज हाउ वी डू द वर्कअप फॉर हाइपर पैराथायरायडिज्म। अब यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ आ गई है कि हाइपर पैराथायरायडिज्म है, अब हम देखते हैं कि कॉज इसकी क्या है। हाइपर पैराथायरायडिज्म इज इट सेकेंडरी टू एडिनोमा या कार्सिनोमा, वो हम देखें। और वी डू टेक्नीशियन 99 सिटीग्राफी, टू गेट द हाई लेवल्स हम चेक कर लेते हैं और उसमें देख लेते हैं अपटेक कितनी ज़्यादा है कि इट इज हाइपर फंक्शन और नॉट। तो सब अल्ट्रासाउंड नेक टू कंफर्म द एडिनोमा और तो फर्स्ट वर्क का हमने ये करना कि आपका पैराथायरायडिज्म है, देन हम ये देख लिया कि कॉजेज इनमें से कौन सी, बिकॉज अगर ये इस तरह की कॉज है देन वी हैव टू गो डायरेक्टली फॉर द सर्जरी में नहीं। तो हाउ वुड वी ट्रीट सच अ पेशेंट? सबसे पहले तो क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया विल लीड टू द रीनल स्टोन्स, तो प्रॉपर हाइड्रेशन लाजमी चाहिए सबसे पहले। ठीक, देन यू हैव टू गो फॉर द सर्जरी। नाउ अगर एक पेशेंट आपके पास सिर्फ ओकेजनली आपको पता चलता है कि हाइपरकैल्सीमिया और पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज है, क्या उसको भी सर्जरी की जरूरत है? हमें वो देखना पड़ता है कि सर्जरी किस एक्सटेंट पे जाके अगर हाइपरकैल्सीमिया हो या पैराथायरॉइड हार्मोन क्या इफेक्ट डाल रहे हो, तब हमने सर्जरी की तरफ जाना। तो इंडिकेशन सर्जरी की क्या होंगी? अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेड रीनल स्टोन्स हो, नंबर टू अगर रीनल स्टोन्स की वजह से हमारे पास पेशेंट रीनल फेलियर में चला जाता है, अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड आपके पास हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मोर देन 11.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तब दीज आर द कंडीशंस। और ये कह सकते हैं कि लेस देन 50 इयर्स के पेशेंट है, मैं कहता हूं कि दे शुड गो फॉर सर्जरी। अब ये आता है कि इफ द पेशेंट इज रिलक्टेंट, सर्जरी की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, द पेशेंट इज रिलक्टेंट हिमसेल्फ और मोर देन 15 इयर्स, तो क्या कोई और हमारे पास देयर इज अनदर वे आउट? तो व्हाट वी यूज इज अ ड्रग कॉल्ड सिनेकैल्सेट, इट्स एक्चुअली कैल्सीमाइमेटिक। व्हाट इट डज, इट डिक्रीजेस द पैराथायरॉइड हार्मोन लेवल्स। एक्चुअली इट वाज डिजाइन फॉर द टर्शियरी हाइपरपैराथायरायडिज्म, लेकिन यहाँ पे भी जो पेशेंट्स who don't go want to go for the surgery, we can use this drug. That's all about the hyperparathyroidism. Now, small talk about the hypoparathyroidism. Now, hypoparathyroidism. So, it is any decreased activity of the parathyroid hormone. So, its cause of our pass kya ho sakti hai? Either it is autoimmune. और मे बी सेकेंडरी टू सम सर्जरी और द रेडिएशन, फॉर एग्जाम्पल सर्जरी में कहो थायरॉयड सर्जरी, इसकी वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड ही इट गेट्स डिस्ट्रॉयड, उसमें भी पेशेंट कैन गो इनटू हाइपोपैराथायरायडिज्म। हाउ द पेशेंट प्रेजेंट्स, वी नो दैट हमने जिससे पहले बात की कि पैराथायरॉयड हार्मोन इट रेगुलेट द लेवल ऑफ द कैल्शियम, अगर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन तो देयर वुड बी डिक्रीज द लेवल ऑफ द कैल्शियम। So the patient usually presents with weak muscles,
weakness, numbness, paresthesia, and clinically examination में हम क्या चीज देखते हैं, there are two signs, Shostak sign, will tap at the facial nerve over the parotid gland, there is twitching. और दूसरी क्या हम टेस्ट करते हैं, there is Trommler sign. ब्लड प्रेशर कफ को वो इन्फ्लेट टू द मिड पॉइंट ऑफ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, लेट्स से 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. वी कीप देयर फॉर अबाउट 2 मिनट्स. देन व्हाट हैपेंस इफ द पेशेंट हैज हाइपोकैल्सीमिया, देन दे इज द हैंड टेक्स द शेप ऑफ द कावापीटल स्पॉट. सो दैट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया. नाउ हाउ टू इन्वेस्टिगेट, पहले सीरम कैल्शियम लेवल्स, दीज आर डिक्रीज्ड, सेम हैपेंस टू द सीरम पैराथायरॉइड लेवल्स, दीज आर डिक्रीज्ड आल्सो. और अगर हम बोन की एक्टिविटी देखना चाहें, ग्लाइन फॉस्फेटेज देखें, दीज शुड बी नॉर्मल हमारे पास आ रहा. अब इस पेशेंट को हम ट्रीट किस तरह करते हैं, द ट्रीटमेंट इज यूजली जो चीज कम है उसी को हम रिप्लेनिश कर देते हैं, कैल्शियम प्लस विटामिन डी सप्लीमेंट्स. We give the parathyroid hormone analogs. Synthetic analogs are available. Parathyroid hormone. So this is all about, you should know about parathyroid hormone regarding the hypoparathyroidism. Thank you.